हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वही फतेहाबाद में पराली के मुद्दे को लेकर किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सीएम का पुतला फूंककर रोष प्रदर्शन किया और पराली जलाए जाने पर किसानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का जमकर विरोध करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि सरकार पराली का स्थायी प्रबंध करने की बजाय किसानों के खिलाफ मुकदमे बना रही है, जिसे हम सहन नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से वादा किया गया था कि पराली को सरकार अपने स्तर पर खरीदेगी, लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं भी पराली की खरीद नहीं की गई। इतने बड़े पैमाने पर एकत्र होने वाली पराली का प्रबंध अकेले किसानों के बस की बात नहीं है। अगर सरकार पराली के निस्तारण से संबंधित मशीनरी मुहैया नहीं करवा सकती तो किसानों के खिलाफ कार्रवाई भी बंद कर दे। प्रदर्शन के बाद किसान संघर्ष समिति की ओर से डीसी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। आज ये धरना किसान संघर्ष समिति के बैनर के नीचे हमने लगाया। पिछले 3 सालों से लगातार हम किसानों की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। किसानों के विरोध में सरकार लगातार काले कानून लेके आ रही है। जैसे पराली वाला मसला था जिसे सरकार ने समाधान करना था, पर सरकार ने पराली का कोई समाधान नहीं किया, उल्टा किसानों पे पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं और किसानों के पास इसके पराली का कोई समाधान नहीं है। इस बार जो धान है उसकी पैदावार भी कम हुई और रेट भी कम है और सरकार लगातार किसानों को लूटने का काम कर रही है और ऊपर से पर्चे दर्ज करके डराने का काम कर रही है। आज हमने किसान संघर्ष समिति के बैनर के नीचे धरना दिया और प्रशासन से मांग की है कि तुरंत प्रभाव से किसानों पर बने पर्चे मुकदमे उसको वापस लिया जाए और जो धान की पराली की समस्या है सरकार उसको खुद हल करे। किसानों के पास इसका कोई हल नहीं है। प्रचार किया जा रहा है कि हमने किसानों के पक्ष में कोई फैसला कर दिया, किसानों के साथ ये मजाक किया जा रहा है। खट्टर सरकार का हमने पुतला फूंका और आने वाले समय में यदि पर्चे ये रद्द नहीं करते तो हम बड़ा